अभी हम सीए के ऑफिस में गए हुए थे, वहां पे काम पूरा करा के इसकी डिमांड थी खाने पीना है, तो खा पी के भी निकल रहे हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे। एक गिफ्ट लेना है मुझे आज एक स्पेशल बंदे के लिए, तो वो गिफ्ट कलेक्ट करेंगे, उसको पैक कराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज का दिन थोड़ा सा बिजी है और आज का दिन बहुत अच्छा है, मतलब इस साल का नया अध्याय शुरू हो रहा है और पुराना अध्याय खत्म हो रहा है मेरा। देखो ये लो सर, इसको बढ़िया से पैक कर दो। ये हुई ना बात। चलो चलते हैं। क्या मौसम हो रहा है, सूर्य देवता को नमन। वो ऊपर वाला सच में है, अगर इस बात पे यकीन करोगे तो ही वो ऊपर वाला आपके लिए है, अदरवाइज आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है। फिर समय किसी के लिए नहीं रुकता, हर किसी का समय आता है और हर कोई अपने समय से निकल भी जाता है, उसमे भी मत लेना। आई एम जस्ट टेलिंग दिस बिकॉज वन ऑफ माई क्लाइंट इज शिफ्टिंग परमानेंटली टू US एंड दैट्स क्वाइट एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज वेल। मैंने चॉकलेट्स भी अपने क्लाइंट्स के लिए ली थी, राइट, टू विश हिम बेस्ट रिगार्ड्स फॉर हिज जर्नी, फॉर हिज फर्दर लाइफ। अब 4 सालों बाद वापसी आना होगा उनका, होपफुली सब सही रहा तो आएंगे, अदरवाइज परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं वहीं पर ही। बट या हर किसी का समय आता है एंड 2 साल से पता था दैट ही विल मूव एंड आज वो दिन आ गया फाइनली। आई एम फीलिंग गुड अबाउट हिम ऑफ कोर्स, और मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस अब आएंगे बिकॉज ही हैव मूव्ड, राइट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तभी मैंने दिन में आज बोला था नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेट्स सी, विश मी लक।